नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा नगर निगम कार्यालय के साकेत भवन में संविधान दिवस पर अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। निगम आयुक्त कुलदीप शर्मा ने संविधान दिवस पर अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाया। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान में सभी वर्गों के हितों के मद्देनजर विस्तृत प्रावधानों को शामिल किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न व्याख्याओं के माध्यम से भी बदलती परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न अधिकारों को इसमें सम्मिलित किया गया। वर्ष 2015 में संविधान के निर्माता डॉ. अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में सीबीआई के एसपी व एसीसीएल के सीईओ ने किया केवरा क्षेत्र का दौरा। सीबीआई रायपुर के एसपी आरएम खान, एसीसीएल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर बीपी शर्मा का एसीसीएल केवरा क्षेत्र में दौरा हुआ। उनके साथ विजिलेंस के जीएम प्रकाश चंद्रा भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों से खदानों में कोयला उत्पादन व संचालन की प्रक्रिया को लेकर चर्चा की। औद्योगिक इकाइयों के फील्ड विजिट के सिलसिले में अफसरों का एसीसीएल में दौरा हुआ था, जिसके बाद अधिकारी गेवरा खदान पहुंचे। अधिकारियों ने यहां पहुंचने के बाद मेगा परियोजना गेवरा खदान का दौरा किया। बिलासपुर सीईओ ने सीबीआई एसपी को खदानों में विजिलेंस विभाग के गतिविधियों से अवगत कराया। वहीं अफसरों ने कोयला उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी। खदान में व्यू पॉइंट व अन्य हिस्सों का निरीक्षण करने के बाद सीबीआई रायपुर एसपी आरएम खान ने एसीसीएल के गेवरा, कुसमुंडा, दीपका और गेवरा क्षेत्रों के महाप्रबंधकों व एचओडी के साथ बैठक कर कामकाज पर चर्चा की। सीबीआई के एसपी आरएम खान के साथ एसीसीएल विजिलेंस विभाग के अधिकारियों का गेवरा खदान दौरा होने के बीच खदान में सीबीआई के छापे की चर्चा भी होती रही। हालांकि प्रबंधन की ओर से बाद में सूचना जारी किया गया कि औद्योगिक इकाइयों के फील्ड विजिट के सिलसिले में अधिकारियों का दौरा हुआ है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में युवा कांग्रेस ने सिटी बस फिर से शुरू करने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की मांग। युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास के नेतृत्व में कलेक्टर से मुलाकात करके कोरबा जिले में पूर्व में संचालित सिटी बस परिचालन को फिर से बहाल करने की मांग की गई है। युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास ने कहा कि कोरबा में आमजनों के हित के लिए जो महत्वपूर्ण योजना थी, जिससे आमजनों को आवागमन में सुविधा मिलता था, कोविड के कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सामान्य स्थिति होने के बाद भी परिचालन प्रारंभ न करना समझ से परे है। छात्र छात्राओं, आमजनों को सिटी बस नहीं चलने से अतिरिक्त खर्चे का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ असुविधा का भी सामना करना पड़ रहा है। युवा कांग्रेस ने छात्र छात्राओं के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सिटी बस परिचालन को बहाल करने की मांग की है। कोरबा जिला में जो सिटी बस का परिचालन पूर्णतः तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है, जैसे कि पूर्व कोविड के कारण उसको बंद किया गया था, परंतु अभी तो सारी चीज़ें सामान्य हैं और सामान्य परिस्थितियों में भी ऑटो चालकों के द्वारा और प्राइवेट बसों के द्वारा लगभग सारे लोगों से 50-60 रुपये अतिरिक्त किराया लिया जाता है, जिससे आने जाने के लिए छात्र छात्राओं और आमजनों को अत्यंत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमारे द्वारा आज यहाँ पर सिटी बस परिचालन को पुनः प्रारंभ करने की मांग को लेकर के पत्र सौंपा गया। कॉलेज के लिए आते हैं और प्राइवेट बसों में आना पड़ता है हमें, जिसमें अपनी मनमानी से किराया लिया जाता है और पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, बोल के और ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। और यहाँ से आने के बाद हम लोग को ऑटो से भी जाना पड़ता है, जिसमें और वो लोग अपना मनमानी से किराया लेते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इस अवसर पर इंटक जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव, युवा कांग्रेस जिला महासचिव दीपक दास महंत, रमेश दास महंत, कमल किशोर चंद्रा, रीना साहू, सोनिया महंत, तृप्ति यादव, यामिनी सोनी, कविता पटेल उपस्थित थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के शासकीय स्कूल में छेड़छाड़ की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज।
हड्डी बाजार क्षेत्र के शासकीय स्कूल में कुछ छात्राओं के अभिभावक स्कूल पहुंचे और हंगामा होने लगा। छात्राओं व अभिभावकों की ओर से आरोप लगाया गया है कि शिक्षक महेंद्र कश्यप छात्राओं से गलत शब्दों में बात करते हैं और हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है। जब पालक शिक्षकों व शाला समिति के सदस्यों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद भी मामला नहीं सुलझा तो वे छात्राओं के साथ नारेबाजी करते हुए हड्डी बाजार पुलिस चौकी पहुंच गए। उन्होंने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इस मामले में लिखित बयान के बाद चौकी के उपनिरीक्षक तारनदास कोसले ने शिक्षक महेंद्र कश्यप के खिलाफ छेड़खानी का जुर्म दर्ज कर लिया। मामले की विवेचना जारी है। संस्था के प्राचार्य बी एन दिवाकर ने इस घटना की जानकारी विभाग के उच्च अधिकारियों को देने की बात कही है। और गलत तरीके से छूते भी हैं और देखने का नजरिया एकदम गलत है। और व्यवहार कैसा उनका? और व्यवहार बहुत गंदा है उनका। हमारे साथ कश्यप सर बहुत अत्याचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, काफी से बुला लेते हैं, गलत गलत वर्ड का प्रयोग करते हैं। मैं चूंकि इस स्कूल में मैं पढ़ा भी हूँ, इस स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए इस स्कूल से लगाव कुछ अधिक रहा है, तो मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय स्कूल के लिए देते रहा हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी के रूप में भी मैं बच्चों से सोशल वर्क कराते आ रहा हूँ, और अभी जब शासन का मोहल्ला क्लास शुरू हुआ तो उस समय भी मैं लगातार मोहल्ला क्लास लेते रहा और अभी तक लेते रहा हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का पूरा समय मैं इस स्कूल के बच्चों के लिए देते रहा हूँ। लेकिन अभी जो बच्चों के द्वारा आरोप लगाया गया है, यह मेरे समझ से परे है, क्योंकि सारे बच्चे मुझे परसों तक जब कार्यक्रम हुआ है तो ये अपने एक गार्जियन के रूप में मानते आए हैं और उस कार्यक्रम की सराहना किए हैं, सभी बच्चे भाग लिए हैं उस कार्यक्रम में। लेकिन आज अचानक बच्चों का इस तरह का रुख बिल्कुल मुझे समझ से परे है। लेकिन चूंकि मेरे बच्चे हैं, उनसे मुझे बहुत स्नेह है, और यदि बच्चों ने आरोप लगाया है तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि मुझे तत्काल इस संस्था से स्थानांतरण कर दिया जाए। चूंकि एक भी बच्चे को यदि मैं संतुष्ट नहीं कर पाया तो मेरा शिक्षकीय जीवन सफल नहीं होगा, और मैं बच्चों के द्वारा लगाए गए किसी भी प्रकार के आरोप को इनकार करता हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन, मेरा स्वभाव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, बच्चों से स्नेह बहुत करता हूँ, ये सत्य है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायब तकनीक से करे बंद, बिना टाके, बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा मसाज, लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8837890 69 और 8305378777। रेडमूड क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड एब्रोड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star होटल फैसिलिटीज, गुड मेंबरशिप पैकेज, हनीमून पैकेज, हॉलिडे पैकेज, इंडिया एंड इंटरनेशनल, वीजा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज। कॉन्टेक्ट अस अनूप शुक्ला 9554967885। विजिट अवर ऑफिस, शॉप नंबर FF3 FF4, फर्स्ट फ्लोर, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़।
शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह छोटे बजट में, सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता, मेहर वाटिका, दुर्पा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT Digital New MPEG 4 Box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 Box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्री जमनीपाली, जेलगांव, सीएसई बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। NXT Digital New MPEG 4 Box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 Box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 Box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 Box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के विरोध में आयोजित जन जागरण कार्यक्रम निगम के वार्डों में जारी है। इस दौरान वार्ड 21 और 22 में जन जागरण पदयात्रा और सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर अन्य मुद्दों पर देश की जनता को गुमराह करने में लगी है। प्रधानमंत्री मोदी व उनके मंत्रिमंडल के कोई भी मंत्री इस गंभीर समस्या पर चिंता तक नहीं प्रकट कर रहे हैं। गरीब व मध्य वर्ग के परिवारजनों का इस कदर महंगाई से कमर टूट चुकी है। विगत 20 महीनों के कोविड काल के दौरान रोजी मजदूरी करने वाले, रिक्शा ठेला खींचने वाले, ऑटो टैक्सी चालक, गुमटियों में खाद्य सामग्री बेचने वाले, कपड़ा बर्तन मनिहारी आदि दुकानों में काम करने वाले मजदूरों की रोजी मजदूरी एक प्रकार से बंद हो चुकी थी। वहीं अनेक ऐसे परिवार हैं जो इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में इस कदर की महंगाई ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ हमारे द्वारा जन जागरण अभियान पद यात्रा करते हुए चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा के अंतर्गत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोरबा के द्वारा कोरबा ब्लॉक के वार्ड क्रमांक 22 शिवाजी नगर में आज पदयात्रा का अभियान आज चल रहा है। इसी के तहत आज इस डांडिया ग्राउंड शिवाजी नगर में सब यहाँ के स्थानीय नागरिक बंधुओं के द्वारा माता बहनों के साथ सहभागिता निभाते हुए
पदयात्रा अभियान को चलाया जा रहा है और इसे हम कांग्रेस की जंग हर घर तक पहुंच करके बढ़ती महंगाई के खिलाफ और मोदी सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उन्हें सब ये बता रहे हैं कि किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार के गलत नीतियों के कारण आज पूरे देश की जनता महंगाई की मार झेलने के लिए विवश है और आने वाले समय में देश की जनता उसका हिसाब जरूर करेगी। आज पूर्वा ब्लॉक में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा के निर्देश पर पूर्वा ब्लॉक में वार्ड नंबर 22, 23, 24 में आज यह जन जागरण का आयोजन किया गया है और जन जागरण का उद्देश्य है कि मोदी सरकार जी के गलत नीतियों पर बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए और उसके विरोध में हम यहाँ पर जो है पूरे घर घर दस्तक दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी ने इस देश में जो है आतंक मचा रखा है और उस आतंक के शिकार हो रहे हैं गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर, किसान। बड़े ही दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बोलती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो मैं बता दूं कि कांग्रेस ने 70 साल में इस देश को बनाया। आज जो विकास हुआ है, आज चाहे हम कोरबा की बात करें तो ये बाल्को प्लांट है, एसीसीएल प्लांट है, सीएसईबी है, एनटीपीसी है, ये जितने प्लांट है कांग्रेस सरकार ने लगाए। लेकिन मैं बता दूं, जिस समय अटल बिहारी जी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने बाल्को को बेचा और इस तरह से मोदी सरकार जी जो है रेलवे स्टेशन को बेचने में लगे हैं, जितने एयरपोर्ट है उसको बेचने में लगे हैं और जितने भी इंडस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट के उसको बेचने का ही काम कर रहे हैं और इस देश का मालिक बना रहे हैं अडानी और अंबानी को और आने वाले समय में अंग्रेजों से भी ज़्यादा बदतर स्थिति हम लोग को ऊपर जो है अडानी और अंबानी करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि करोड़ों बेरोजगार जो है घूम रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, ये हम लोग की दुर्भाग्य है। ये तो किस्मत हमारा अच्छा है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय भूपेश सरकार जी हैं जो कांग्रेस की सरकार हैं, जिन्होंने दीन दुखियों, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी के प्रति जो है अपना स्नेह रखते हुए आज यहाँ पर जो है रोजगार उपलब्ध कराया है और यहाँ पर उनके द्वारा बिजली की बिल हो, चाहे कर्ज माफ़ी हो, चाहे धान का समर्थन मूल्य हो, बहुत सारी ऐसे योजनाएं लाए हैं और जिसके कारण जो है हम लोग कम से कम थोड़ा सा राहत है, लेकिन पूरा देश जो है इस बढ़ती महंगाई केंद्र सरकार की नीति से परेशान। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में सैगौन पेड़ काटने के आरोपी विभाग की गिरफ्त से बाहर, 7 लट्ठे बरामद। कटघोरा वनमंडल के पसान रेंज के प्लांटेशन एरिया में सागौन पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में वन विभाग आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। मौके से 7 नग सागौन के लट्ठे बरामद किए गए हैं। प्रभारी रेंजर का कहना है कि मामले में वन संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों की पताशाची की जा रही है। पेड़ों की कटाई के बाद से बचे ठूंठ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरा से इमारती लकड़ियों की कटाई की गई है। लहंगा सर्किल के कर्री बीट क्षेत्र में आने वाले खमरिया जंगल, बैगान मोहल्ला के जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। यह क्षेत्र गौरेला पेंड्रास जिले की सीमा से लगा हुआ है। पेड़ कटाई की जानकारी अब तक वन अमले को कैसे नहीं हुई, यह जांच का विषय हो सकता है। पेड़ के ठूंठ को देखने पर लगता है कि धीरे धीरे काट कर तस्कर ने लकड़ी की चोरी की है। ग्रामीणों के मुताबिक अब तक 120 से अधिक सागौन पेड़ के ठूंठ यहां देखे गए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। कोरबा में एसीबी कंपनी के एमडी के घर चोरी के मामले में फरार आरोपी चंडीगढ़ से गिरफ्तार। दीपका थाना क्षेत्र के बतारी स्थित एसीबी कंपनी के ज्वाइंट एमडी के सूने मकान में 50 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने फरार एक आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। मामले में 3 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगी है। दीपका थाना क्षेत्र के बतारी में एसीबी कंपनी के ज्वाइंट एमडी वीर सिंह संधू के सूने मकान में 8 नवंबर को चोरी की वारदात हुई थी। चोरों ने मकान से करीब 50 लाख रुपए कीमती सामानों की चोरी की थी। घटना के कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने मामले में चोरी के 3 आरोपी नेपाल निवासी प्रेम भुल, हिमाल बहादुर मांझी और दीपक भुल को गिरफ्तार कर उनसे चोरी के सामान बरामद किए थे। वहीं मामले में शामिल 4 अन्य आरोपी कुमार भुजैल, भीम सिंह, पदम सामवत व पूनम उर्फ छोटी फरार थे। पुलिस ने फरार एक आरोपी पदम सामवत को
चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। दीपका पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड में जेल भेज दिया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह छोटे बजट में, सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुर्पा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। रेडमून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड एब्रोड, क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star होटल फैसिलिटीज, गुड मेंबरशिप पैकेज, हनीमून पैकेज, हॉलीडे पैकेज इंडिया एंड इंटरनेशनल, वीजा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज। कॉन्टेक्ट अस अनुप शुक्ला 9554967885। विजिट अवर ऑफिस, शॉप नंबर FF3 FF4, फर्स्ट फ्लोर, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायब तकनीक से करे बंद, बिना टाके, बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा मसाज, लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT is the new MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट, नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब ऐसे स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CS बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। NXT is the new MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट, नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT Digital New MPEG 4 Box,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के शारदा विहार रेलवे क्रॉसिंग के पास किसी बात को लेकर उपजे विवाद में दो गुटों में जमकर हुई मारपीट। दोनों गुट एक दूसरे पर जमकर चलाए लात घुसे, वहीं मौके पर मौजूद भीड़ तमाशा देखती रही। किसी ने भी मारपीट कर रहे लोगों को नहीं रोका। मामले की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को थाना ले गई। कौन लोग थे, मारपीट की असली वजह क्या थी, साफ नहीं हो पाया है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।